सर। दोस्तों आपको पता होगा कि तीन हाथ नाका ठाणा के अंदर, तीन हाथ नाका ठाणा में जो है वहां पर सर्विस रोड के ऊपर जो नया आरटीओ है वहां उस रोड के ऊपर एक पप्पू ढाबा है। पप्पू ढाबा जो मतलब मशहूर ढाबा है ये, और जस्ट वो कल जो है रात में पप्पू ढाबा के अंदर कुछ आग लग गई थी, चिमनी के अंदर जो खाना पकाने वाला जो चिमनी होता है उस चिमनी के अंदर आग लगी थी और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया था। और सबसे एक जो सोचने वाली बात है कि ये नीचे इतना बड़ा ढाबा है, होटल है, जो चिमनी मतलब गैस जलता है, खाना बनता है, और जस्ट उसके ऊपर एक शादी का हॉल है, कम से कम 1000 आदमी का, मतलब एक 1800 आदमी का तकरीबन वो तादाद है, वो हॉल इतना बड़ा है, शादी का हॉल है वो, और वहाँ पर अक्सर जो है शादियाँ हुआ करती है और कोई ना कोई फंक्शन हुआ करता है। और कभी अगर जैसे ये कल रात में हुआ था और एक खुदा ना खास्ता कभी अगर इस तरीके से मतलब आग लग गई होटल के अंदर या कुछ हो गया तो आज 1000 आदमी का एक जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है इसका जिम्मेदार कि इसका जिम्मेदार जो भी है मतलब एक फूड डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं जो लाइसेंस इश्यू करते हैं होटलों के लिए या ढाबे के लिए या फरसान के लिए, मतलब ये वो जिम्मेदार है कि मतलब पुलिस जिम्मेदार है इसका या कौन जिम्मेदार है? तो ये सवाल जो है आप आम जनता जो है तय करेगी कि इसको आगे करना क्या है। तो कल रात में जैसे कि देखा जा रहा है कि 5 ब्रिगेड पुलिस की गाड़ी यहाँ पर सब आ गई और काफ़ी लोग खड़े हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ वायर भी काट रहे हैं और बुझा रहे हैं कुछ करके, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो मेरी ये न्यूज़ के माध्यम से अपील है लोगों से भी कि इसके ऊपर आप लोग कार्रवाई करें और जिनका शादी का हॉल है इनसे भी कि मतलब कल अगर आपके हॉल में अगर कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। एक नई न्यूज़ के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा, जब तक के लिए लाल मोहम्मद शेख नमस्कार। We'll be right back.